गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड स्टूडेंट पार्ट दो के आपको प्रश्न उत्तर याद करने हैं अब और ये आपको लिखकर भी देखने हैं। पहला प्रश्न है आपका, बुढ़िया दुखी क्यों हो जाती थी? बुढ़िया दुखी क्यों हो जाती थी? उत्तर है इसका, पानी टप टप जब उसके बदन पर गिरता तो वह बहुत दुखी हो जाती थी। ये मैंने आपको इसकी स्टोरी भी पढ़ा दी है, इसकी कहानी का सारांश भी भेजा है, तो आप उसको सुन सकते हैं। जिन्होंने कहानी नहीं पढ़ी है तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने में आसानी रहेगी। पानी से भरे गड्ढे में गिरने पर बुढ़िया क्यों, बुढ़िया क्या बोली? पानी से भरे गड्ढे में गिरने पर बुढ़िया क्या बोली? दूसरा प्रश्न है ये, बुढ़िया क्या बोलती है कि मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से भी नहीं डरती, अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से। अब है आपका तीसरा प्रश्न, ग यात्री ने पेड़ पर चढ़ने का फैसला क्यों किया? शेर को पास देखकर उसे लगा कहीं शेर मुझे खा न जाए, इस डर से यात्री ने पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। जितने भी प्रश्न उत्तर हैं बच्चों आपको लिखकर भी देखने हैं, तभी आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ग इसका घ प्रश्न है, चरवाहा जंगल में क्यों भटक रहा था? चरवाहे की गाय खो गई थी, वह अपनी गाय की तलाश में जंगल में भटक रहा था। तो ये पाठ दो के प्रश्न उत्तर हैं, इनका अभ्यास करिए, इनको लिखने का लिखिए आप अपनी कॉपी में, रिवीजन करिए ताकि आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से याद हो जाएं।